शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगी कि लाल किताब में पंडित जी ने हमें कुछ हिदायतें दी हैं। जो लोग लाल किताब पढ़ रहे हैं या उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसकी कुछ सावधानियां जो हैं वो आपको बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या है? सावधानी पंडित जी ये कहते हैं कि भाई आप चाहे कोई भी विद्या करें, एक तो उस विद्या में आपको ईमानदारी जरूर होनी चाहिए, दूसरी जो वो विद्या के अपने रूल्स हैं, जहां पे वो आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो जरूर करने हैं आपने। यानी वो हमसे ये कह रहे हैं कि लाल किताब आपको पूरा बता देगी कि सामने वाले का मौत का दिन क्या होगा, लेकिन आपने उसको नहीं बताना। दूसरी चीज, औरत के पेट में लड़का है या लड़की, उसको वो नहीं बतानी। अगर आपने ये दोनों रूल्स को फॉलो नहीं किया तो ये लाल किताब की विद्या आपके ऊपर या आपके लिए काम नहीं करेगी। तीसरा रूल, राहु को आपने बेफजूल नहीं छूना, मतलब कि सामने वाले को राहु का जो उपाय है वो आपने सोच समझ कर देना है। चौथा, कभी भी आपने लाल किताब के उपाय किसी के अहित में इस्तेमाल नहीं करवाने। यानी कि कोई आपके पास आता है और ये कहता है कि भाई मेरा भाई मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो आपके पास इस क्लास को करने के बाद ऐसे उपाय आ जाएंगे जो आप किसी के अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी के बुरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने किसी के बुरे के लिए इस्तेमाल किए तो आप जो है अपनी विद्या खो दोगे। पंडित जी ने एक लाइन कही है, कर भला तो हो भला। अगर तू किसी का भला करेगा तो तेरा भी भला करेगा ऊपर वाला, अगर तू किसी का बुरा करेगा तो तेरे साथ भी वही होगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हर लाल किताबी को बरतनी चाहिए। और यकीन मानिए कि जब आप इन लाइंस पे चलते हो तो पंडित जी आपको स्वयं अपने आप ये सारी विद्या जो है वो सिखा देंगे। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको समझना। और एक जो लास्ट सावधानी है वो ये है कि कभी भी इस विद्या को सीखने के बाद आपने महफिल में बैठ के ग्रहों की बातें नहीं करनी। होता है ना कई बार कि हम कहीं बैठे होते हैं और हमने कुछ नई चीज सीखी होती है, अरे शनि आठ का है तेरा, शनि आठ में ये है, तुझे पता है ये चीज। तो ये लाल किताब कुछ सावधानियां देती हैं जिसको हमें यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। चीजें नहीं करनी,